बालासोर रेल घटना पर अब सीबीआई को ये पूरा मामला सौंपा जा रहा है। हमारे साथ पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बंसल सर, किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से की घटना हुई और उसके बाद अब सीबीआई को सौंपा जा रहा है ये पूरा प्रकरण? मेरी समझ से बाहर है ये बात। सीबीआई का इसमें क्या आया है? अगर उन्होंने सीबीआई का फैसला किया, सीबीआई को देने का, ये जो एक क्रिमिनल केस को, दूसरे जो हमारे ब्राइब के केस होते हैं जो और क्रिमिनल केस होते हैं उनको उस पर जांच करती है, अगर इनको कोई ऐसी बात है तो स्पष्टता के साथ लोगों के सामने आना चाहिए था। मंत्री साहब को उनको कहना चाहिए था, रेल मंत्री को, हमारा ये इसमें शक है। वो नहीं है, मैं समझता हूँ ऐसा ना हो कि ये भटकाने वाली बात है, आपका अटेंशन दूसरी तरफ करने वाली बात है कि वहाँ सीबीआई इस पर इंक्वायरी करती रहे। जो अपनी इनकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं अपनी टीम्स की, उसको करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ ये तो बात अपने आप वो मान रहे हैं कि ये सिस्टम का फेलियर हुआ है, जो इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है जहाँ से वो कांटा बदलते हैं, यानी कि कन्फिगुरेशन जो लाइनों की होती है, एक लाइन जैसे कोरोमंडल ट्रेन आ रही थी उसका सीधा रास्ता था, उसकी जगह वो वहाँ की जगह सीधा जाने की जगह खाली उसके लिए किया हुआ था, ट्रेन गुड्स ट्रेन दूसरी तरफ खड़ी थी, वो गुड्स की ट्रेन की तरफ हो गई, उसके ऊपर चढ़ गई, वहाँ कोई लाइट नहीं थी, लाइट इसको सामने के लिए थी, ग्रीन सिग्नल जो था वो एक बिल्कुल कंप्यूटराइज सिस्टम होता है कंट्रोल सेंटर से, ये जहाँ से ये किया जाता है कि वो पॉइंट होता है स्विच, यहाँ से जो कांटा बदलते हैं उसके लिए ट्रैक पे एकदम सिग्नल आ जाता है, अगर कहीं गलती हो, कुछ गाड़ी आगे खड़ी हो, रेड लाइट आ जाती है। सिस्टम इतने अच्छे होते हैं कि अगर कहीं उसमें फेलियर भी हो जाए तो वो गिर जाता है, लाल अपने आप आ जाता है। सर, आपको लगता है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए रेल मंत्री की या फिर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा दुर्घटना ये है? ये चीज़ हमारे लोग मांग कर चुके हैं, अब उन पे है कि वो इस पे क्या करते हैं। हमारे लोग कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस कारण दूसरी तरफ वो डाल दें और लोगों की अटेंशन डाइवर्ट कर दें कि कोई ऐसा मसला है जो सीबीआई में जाएं। अब क्या करते हैं वो तो हमने बहुत चीज़ों पर देख लिया, किसी चीज़ पर इन पर एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट नहीं है। ये किसी की डेमोक्रेसी में क्या आवाज़ उठती है उसके हिसाब से क्या करना है उसके मुताबिक तो नहीं चलने वाली। इस कारण मैं समझता हूँ उस पर हमें, हम बार बार कहते रहेंगे तो व्यर्थ है वो। लेकिन इस चीज़ की मांग हमें सभी को करनी बनती है कि ये जो असली मुद्दे हैं इसमें, जो असलियत हुई है उससे भटकाएं नहीं, उसे दूसरी तरफ नहीं करें, स्पष्टता के साथ लोगों के सामने आएं कि ये बात हुई है। बहुत शुक्रिया सर देने के लिए। तो साफ तौर पे कहना है कि ध्यान भटकाने की काम सीबीआई के जरिए नहीं होना चाहिए। कैमरामैन गोपाल के साथ रवि सर्राफ, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।